देख रहे हैं महा कार्टून टीवी XD। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मेरी कीमत। बहुत समय पहले किसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश बहुत गरीब था। वो एक सेठ के पास काम करता था जो उसे बहुत कम मेहनताना देता था। जब भी सुरेश उसे मेहनताना बढ़ाने के लिए कहता तो सेठ उसे बोलता, इतने पैसों में ही खुश रहो, तुम्हारी यही कीमत है। इस बात से सुरेश बहुत दुखी रहता था। एक दिन वो दुखी मन से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे पेड़ के नीचे एक ज्ञानी महात्मा ध्यान में बैठे दिखे। सुरेश चुपचाप उस महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। महात्मा को जब उसकी उपस्थिति महसूस हुई तो उन्होंने आंखें खोली और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? हे महात्मा, मेरा नाम सुरेश है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पूछो सुरेश, तुम क्या जानना चाहते हो? महात्मा, मैं आपसे अपनी कीमत के बारे में जानना चाहता हूँ कि इस संसार में मेरी कीमत क्या है। सुरेश के सवाल पर महात्मा मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और आंखें बंद करके ध्यान लगाया। अचानक बहुत तेज रोशनी हुई और कहीं से उनके हाथ में एक पत्थर आ गया। महात्मा ने आंखें खोली और वो पत्थर सुरेश की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये पत्थर लो और इसकी कीमत का पता लगा कर आओ। बस याद रखना, तुमने ये पत्थर बेचना नहीं है। सुरेश ने हाँ में सिर हिलाया और वो पत्थर ले लिया। पत्थर लेकर सुरेश सबसे पहले आम बेचने वाले के पास पहुँचा और उसे पत्थर दिखाकर कहने लगा, सुनो भाई, तुम मुझे इस पत्थर के बदले क्या कीमत दे सकते हो? आम वाले ने पत्थर यहाँ से वहाँ से सब जगह से ध्यान से देखा और बोला, मैं तुम्हें इसके 10 आम दे सकता हूँ। सुरेश ने सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया और उससे वो पत्थर लेकर आगे चल दिया। आगे जाकर उसे एक आलू बेचने वाला मिला। उसने आलू वाले को पत्थर दिखाकर पूछा, तुम मुझे इस पत्थर के बदले कितना मूल्य दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके 2 किलो आलू तो दे ही दूंगा। यह सुनकर सुरेश थोड़ा हैरान हुआ और पत्थर लेकर आगे चल दिया। कुछ आगे चलकर उसे सोना बेचने वाले एक सुनार की दुकान दिखी। वो सुनार की दुकान में गया। उसने जैसे ही पत्थर सुनार की तरफ बढ़ाया, सुनार की आंखें जगमगा गई। उसने तुरंत पत्थर को अपने हाथ में लिया और सुरेश से पूछने लगा, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? यह मुझे एक महात्मा ने दिया है, आप मुझे इसकी क्या कीमत दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। सुरेश ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, कहाँ तो आम वाला इस पत्थर के 10 आम और आलू वाला सिर्फ 2 किलो आलू दे रहा था, और कहाँ ये सुनार मुझे इसके 50 लाख देने को तैयार है। क्या सोचने लगे, तुम्हारे लिए 50 लाख कम है तो मैं तुम्हें 70 लाख भी दे सकता हूँ। सुनार की उत्सुकता देख सुरेश घबरा गया और बोला, नहीं, महात्मा ने इसे बेचने से मना किया है। यह सुनकर सुरेश ने सुनार से वो पत्थर ले लिया, पर सुनार ये पत्थर खोना नहीं चाहता था, इसलिए तुरंत ही बोल पड़ा, अगर तुम चाहो तो मैं इसके 1 करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ। पर सुरेश नहीं रुका और वहाँ से चला गया। पत्थर को अपने पास छुपाए सुरेश वापस महात्मा के पास जा ही रहा था कि तभी उसे हीरे के व्यापारी की दुकान दिखाई दी और वो सोचने लगा, अब तक जितने लोगों को भी ये दिखाया, सबने इसकी अलग अलग कीमत लगाई, एक बारी से इस चोरी को भी दिखा लेता हूँ, देखता हूँ ये क्या कहता है। ऐसा सोचकर सुरेश जौहरी की दुकान में गया। जैसे ही सुरेश ने जौहरी को वो पत्थर दिखाया, जौहरी तुरंत ही खड़ा हो गया। उसने एक लाल रुमाल टेबल पर बिछाया और उस पत्थर को उस पर रख कर सिर झुकाने लगा। सुरेश ने ये देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, आप इस पत्थर के सामने सिर क्यों झुका रहे हैं? सुरेश के सवाल पर जौहरी हैरान होकर बोला, ये पत्थर नहीं, रूबी है, अगर सारी दुनिया भी बेच दी जाए तब भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये रूबी अनमोल है। यह सुनकर सुरेश हैरान परेशान हो गया।
वो जौहरी से वो अनमोल रत्न लेकर सीधा महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर सुरेश ने महात्मा को सारी आपबीती सुनाई और कहने लगा, महात्मा मैंने आपसे अपना मूल्य पूछा था और आपने मुझे रूबी देकर उसका मूल्य पूछने को कहा, कृपया अब आप इस रहस्य से पर्दा उठाएं। इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, आम वाले ने इस रूबी की कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 2 किलो आलू, सुनार ने 1 करोड़ और वहीं जौहरी ने इसे अनमोल बताया। ऐसे ही मानवीय मूल्य का भी है। बेशक तुम रूबी के समान अनमोल हो, पर सामने वाला तुम्हारी कीमत अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से ही लगाएगा। इसलिए कभी किसी से अपनी कीमत के बारे में मत पूछना और कोई तुम्हें बताए तो ध्यान भी मत देना। सुरेश समझ गया कि इस अनमोल रत्न के समान वो भी अनमोल है और फिर कभी उसने किसी से अपनी कीमत के बारे में नहीं पूछा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी अनमोल हैं और अगर कोई हमारी कीमत नहीं पहचानता तो इससे हमारा मूल्य कम नहीं हो जाता। इसलिए हमें हमेशा अपनी इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।